हेलो एवरीवन माय नेम इज स्नेहा वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ठीक है जो पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है 2023 में उसके प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है साथ में ये मेंस और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रिलिम्स या मेन्स में आएगा इंटरव्यू में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ठीक है तो आज हम इसको देखने वाले हैं इसमें क्या क्या देखेंगे हम डब्ल्यू आई पी को इंट्रो को देखेंगे डब्ल्यू आई पी ऊ के क्या फ़ीचर्स हैं उसके क्या फंक्शंस हैं वो किस तरह से काम करता है उसको देखने वाले हैं ठीक है डब्लू आई पी ओ की हिस्ट्री देखेंगे और इंडिया और डब्लू आई पी ओ के क्या रिलेशन है उसको भी देखेंगे ठीक है इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट दो सिस्टम है उसको देखेंगे जैसे मैड्रिड सिस्टम और हैक सिस्टम इसको देखने वाले हैं ये डब्लू आई पी ओ से रिलेटेड ही है और डब्लू आई पी ओ की इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन्स को देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में ठीक है तो आपको जितने भी डेज होते हैं वो याद रखने हैं जैसे WIPU का डे तो डब्ल्यू आई पी ओ अपना डे बनाता है ट्वेंटी तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डे कौन सा होता है ट्वेंटी सिक्स अप्रैल आपको याद रखना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है ठीक है डब्लू आई पी का इंट्रोडक्शन देखते हैं डब्ल्यू आई पी को फॉर्म किया गया था फोर्टीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी सेवन को ठीक कौन सी कन्वेंशन के थ्रू डब्लू आई पी ओ का कन्वेंशन हुआ था उसके थ्रू फोटीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी सेवन को ये डब्लू आई पी ओ फॉम हुआ था ठीक है इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में ठीक है डब्लू आई पी ओ का एम क्या है ये आई पीज को प्रोटेक्ट करता है प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग दी आई पी अक्रॉस दी ग्लोब सो वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल लेवल पर आई पी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है डब्लू आई पी ओ ठीक है इसके कितने मेंबर हैं वन नाइनटी थ्री मेम्बर हैं इंक्लूडिंग इंडिया तो डब्ल्यू आई पी के टोटल मेंबर है वन नाइन्टी थ्री कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया तो नाइनटीन सेवनटी फोर में जो डब्ल्यू आई पी ओ है वो यू एन की स्पेशलाइज एजेंसी बन गया नाइनटीन सेवनटी फोर से पहले पहले नाइनटीन सिक्सटी सेवन में भी ये यू एन का पार्ट नहीं था लेकिन नाइनटीन सेवनटी फोर में डब्ल्यू आई पी ओ यू एन की स्पेशलाइज एजेंसी बन गया यू एन क्या है यू एन यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैं इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ ठीक है ये भी इस पर एक वीडियो बनाई जाएगी ठीक है तो यूएन की इंपॉर्टेंट काउंसिल के बारे में देखेंगे जनरल असेंबली के बारे में देखेंगे स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में देखेंगे तो इस पर भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ठीक है तो 1974 में आपको याद रखना है ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी बन गया था ठीक है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्लू कौन है डैरन टैंक ठीक है अब हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ डब्ल्यू तो डब्ल्यू पब्लिश करता है एक तो इंडेक्स और एक रिपोर्ट इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ठीक है ग्लोबली ये इनोवेशन से रिलेटेड इंडेक्स पब्लिश करता है ठीक है ठीक है किसके साथ मिलकर करता है डब्ल्यू आई पी ओ कॉर्नल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ठीक है यदि हम इंडिया की रैंक दिखते हैं क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर है तो 193 जो इसकी मेंबर्स है वो इसमें पार्ट लेंगे इंडेक्स में इंक्लूडिंग इंडिया तो इंडिया ने भी इसमें 2022 में पार्ट लिया था इंडेक्स में जब इसकी इंडेक्स पब्लिश की गई इंडिया की तो उसका रैंक आया था 40 तो 2022 में जब जी इंडेक्स निकला था जब इंडिया की रैंक क्या थी फोर्टी तो आपको याद रखना है इंडिया की कितनी रैंक थी जी में फोर्टी रैंक थी इससे पहले 2015 में इंडिया की रैंक थी 81 तो ह्यूज जंप फ्रॉम 81 इन 2015 थाउजेंड टू फोर्टी इन टू तो आपको याद रखना है जीआईआई इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 40 ठीक है इसके साथ में ये डब्ल्यू रिपोर्ट भी पब्लिश करता है क्योंकि डब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो ये रिपोर्ट भी पब्लिश करता है ठीक है तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ तो डब्ल्यू क्या करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है प्रमोट करता है हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री को किस तरह से इसको फॉर्म किया गया था इससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी जो आई को प्रोटेक्ट करती है ठीक है तो वो हम देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम एटीन से एटीन में पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी आई थी जो कि प्रोटेक्ट करती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को तो सबसे पहले जो प्रोटेक्ट की गई थी वो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ ठीक है किसके थ्रू पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी के थ्रू ये एटीन में आई थी ठीक है सो तो यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को देखेंगे ट्रीटीज़ पे सेपरेट वीडियो भी बनाने की सोच रही हूँ जहां पर हम इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज के साथ साथ जो भी डिटेल में ट्रीटीज हैं वो देखेंगी ईयर्स को देखेंगी कब ये ट्रीटीज आई थी इंडिया किस किस का पार्ट है साथ में इन ट्रीटीज़ का एम क्या क्या है वो भी हम देखेंगे ठीक है एटीन में आई थी बर्ने कन्वेंशन ट्रीटी ये बर्ने कन्वेंशन ट्रीटी प्रोटेक्ट करती है लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क को तो लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी आई थी ठीक है इन दोनों ट्रीटीज को एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम दिया गया था बिर्पी को बिर्पी क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करती थी उस टाइम पे पेरिस और बर्ने कन्वेंशन ट्रीटी को ठीक है फिर उसके बाद डब्ल्यूआईपीओ कन्वेंशन आया और 14 जुलाई 1967 को डब्ल्यूआईपीओ को फॉर्म किया गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ 1967 में फॉर्म हो गया बिर्पी फिर डब्ल्यू आई पी में मर्ज हुए कब नाइनटीन में तो एक्चुअल में यदि हम बात करें डब्लू आई पी कब फोर्स में आया था वो आया था नाइनटीन में तो आपको दो ईयर याद रखने हैं डब्लू आई पी ओ के एक तो फोर्टीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी सेवन जब ये फॉर्म हुआ था साथ में नाइनटीन भी आपको याद रखना है जब बिरपी डब्लू आई पी ओ में क्या हो गया था मर्ज हो गया था ठीक है ये तो आपको पता ही है कि जो डब्लू आई पी है वो यू एन की स्पेशलाइज एजेंसी बन गया था कब नाइनटीन सेवनटी फोर में 1975 नाइनटीन सेवनटी फाइव का ईयर भी आपको याद रखना है कौन सा है इंडिया कब डब्लू आई पी का मेंबर बना नाइनटीन सेवनटी फाइव में इंडिया डब्लू आई पी का मेंबर बन गया था इसका मतलब इंडिया डब्ल्यू आई पी का फाउंडिंग मेंबर नहीं था जब नाइनटीन सिक्सटी सेवन में जब डब्लू आई पी बना था तब तो इंडिया इसका पार्ट नहीं था लेकिन नाइन्टीन में इंडिया इसका पार्ट बन गया था तो डब्ल्यू आई के कितने मेंबर है 193 इसमें से इंडिया इसका पार्ट कब बना था 1975 में ठीक है अब हम इंडिया और डब्लू आई के रिलेशन को देखते हैं ठीक है तो नाइनटीन के बाद से इसका रिलेशन स्टार्ट हुआ क्योंकि डब्ल्यू आई को इंडिया ने ज्वाइन किया था नाइनटीन में ठीक है डब्ल्यू आई पी का करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है तो ये किस तरह से करेगा टी बनाकर तो ट्वेंटी सिक्स डब्ल्यू आई है इसमें से इंडिया ने इन ट्रीटीज को ही साइन किया हुआ है इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे अभी हम सिर्फ इसके नाम देखेंगे ठीक so है सो फर्स्ट है डब्ल्यू आई पी ओ परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम टी तो इंडिया ने इसको टू थाउजेंड एटीन में साइन किया है इससे पहले इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था ठीक है बुढ़ापे ट्रीटी हो गई डब्ल्यू आई पी ओ कॉपीराइट ट्रिटी ये वाली ट्रीटी को भी इंडिया ने अभी टू थाउजेंड एटीन में साइन किया है तो ये दोनों ट्रीटी इंडिया ने अभी साइन की है पेरिस कन्वेंशन पेटेंट एंड द कॉरपोरेशन ट्रीटी मराकेस ट्रीटी मैड्रिड प्रोटोकॉल बोल लो या फिर मैड्रिड ट्रीटी बोल सकते हैं इसको नरूबी ट्रीटी बर्नी कन्वेंशन ट्रीटी एंड वॉशिंगटन ट्रीटी तो इन ट्रीटीज को इंडिया ने साइन किया है इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे एक, एक, एक सेपरेट वीडियो के थ्रू ठीक है अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डब्लू आई पी ओ तो डब्ल्यू आई पी ओ की क्या फीचर्स हैं फर्स्ट है डब्लू आई पी ओ एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ट्वेंटी सिक्स आई पी जो भी हमारी ट्वेंटी सिक्स आई पी टीटीज हैं डब्ल्यू आई पी ओ की उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता, तो करता है ये ठीक है तो ये डब्ल्यू आई पी ओ एक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है सेकेंड है डब्ल्यू आई पी ओ इंटरनेशनल रूल को सेटअप करता है रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन थर्ड है प्रमोट एंड स्ट्रेंथनिंग आई पी राइट्स तो आई पी राइट्स को प्रमोट करने का काम कौन करता है डब्ल्यू आई पी ओ फोर्थ है डब्लू आई पी ओ एक्ट एज ए मीडियम या फिर मीडिएटर फॉर इंटर गवर्नमेंट नगोशिएशन और न्यू लीगल इंस्ट्रूमेंट जो भी न्यू लीगल रूल्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो इंटर गवर्नमेंट नगोशिएशन होता है तो डब्ल्यू आई पी यू एक फॉरम की तरह काम करता है फॉरम क्या होता है एक सेटअप uh, होता है ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर सारे कंट्रीज़ के जो इंटर गोर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आते हैं वो देखते हैं कि जो लॉज़ बने हैं वो सही है या नहीं है तो डब्ल्यू आई पी ओ एक्ट एज़ ए फॉरम या फिर मीडियम की तरह यहाँ पर काम करता है ठीक है अब हम डब्ल्यू आई पी ओ के फंक्शन को देखते हैं ठीक है जो so, हमें पता है कि डब्ल्यू आई पी ओ क्या है एक एडमिनिस्ट्रेटर है ठीक है तो ये क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा किसका ट्वेंटी सिक्स ट्रीटीज का तो ये इसका काम हो गया एक फंक्शन हो गया तो एक फंक्शन ये है एडमिनिस्ट्रेशन करना किसका ट्वेंटी सिक्स ट्रीटीज का सेकेंड है ये क्या करता है लीगल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन द फील्ड ऑफ आईपी सो आईपी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो डब्ल्यू आई पी करता है चाहे असिस्टेंट प्रोवाइड करना हो ठीक है तो लीगली और टेक्निकली जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो कौन करता है डब्ल्यू आई थर्ड है ये प्रोग्राम कंडक्ट करता है रिलेटेड टू दी आई पी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो डब्ल्यू करता है ग्लोबल सर्विसेज़ रिलेटेड टू दी आई पी एप्लीकेशन एंड दी एग्जामिनेशन ठीक है सो आई पी की हम एप्लीकेशन देते हैं ठीक है थीके? तो इसके लिए जो भी ग्लोबल सर्विस है वो डब्ल्यू आई पी प्रोवाइड करता है तो इसकी ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन को ये डिस्कस किया जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये ट्वेंटी सिक्स आई का जो भी आई पी से रिलेटेड प्रोग्राम हो गए कोई भी हेल्प हो गई ठीक है कोई भी सर्विस हो गई वो कौन प्रोवाइड करेगा डब्ल्यू आई पी ओ सो so, अब हम देखते हैं हैंक सिस्टम को ठीक है सो ये क्या है एक कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर द इंटरनेशनल रजिस्टरिंग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ठीक है यदि हमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को रजिस्टर करवाना है इंटरनेशनली तो हमको हेक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि तो एक कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है क्यों है क्योंकि ये सिंगल एप्लीकेशन ही लेता है ठीक है तो फाइल द सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यदि आपसे कोई पूछे कि आईपी इंटरनेशनल एप्लीकेशन यदि आपको फाइल करनी है रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डिजाइन तो कौन सा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है हेक सिस्टम ठीक है हेक सिस्टम के लिए हम कुछ स्टैटिस्टिक देखते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड हम स्टैटिस्टिक देखते हैं तो जर्मनी सबसे ज्यादा फाइल करता है आई एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की एप्लीकेशन जर्मनी सबसे ज़्यादा फाइल करता है और वो हेक सिस्टम को फॉलो करता है ठीक है उसके बाद आते हैं रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया तो फर्स्ट तो जर्मनी आ गया एंड देन सेकेंड आ गया हमारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि हेक सिस्टम को फॉलो करता है ठीक है अब क्या होता है कि हमने सबसे पहले तो एप्लीकेशन फाइल कर दी हेक सिस्टम के थ्रू ये जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो होगी ये एप्लीकेशन फिर जाएगी किसके पास डब्ल्यू आई पी ओ के पास और डब्ल्यू आई पी ओ क्या करेगा इस एप्लीकेशन को चेक करेगा ठीक है इस इंटरनेशनल एप्लीकेशन को चेक करेगा ठीक है अब हम बात करते हैं मैड्रिड सिस्टम के बारे में ठीक है तो मैड्रिड सिस्टम भी जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन से रिलेटेड ही सिस्टम होता है इसमें क्या होता है इट इज़ ए कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर रजिस्टरिंग एंड मैनेजिंग द ट्रेडमार्क तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल एप्लीकेशन आती है वो मेड्रेज सिस्टम के थ्रू आती है ठीक है इसके साथ साथ ये एप, इंटरनेशनल एप्लीकेशन तो देखता ही देखता है साथ में ये प्रोटेक्ट करता है क्या इन, जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है मैड्रिड सिस्टम ठीक है एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन क्यों है यहाँ पर भी एक सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल होती है ट्रेडमार्क से रिलेटेड ठीक है यदि ट्रेडमार्क से रिलेटेड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल हो रही है वो मैड्रिड सिस्टम के अंदर आएगी ये आपको याद रखना है ठीक है यदि हम स्टेटिस्टिक की बात करते हैं तो यू एस ए सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क से रिलेटेड एप्लीकेशन को फ़ाइल करता है उसके बाद आता है जर्मनी तो जर्मनी हेग सिस्टम को भी फॉलो करता है और मैड्रिड सिस्टम को भी फॉलो करता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है लेकिन मेडिज सिस्टम में टॉप पर है यूएसए और हैक सिस्टम में टॉप पर है जर्मनी ठीक है सो दैट इज इट फ्रॉम मई साइड यू लाइक में वीडियो सब्सक्राइब चैनल पर कर पैसे करना थैंक यू